उत्तराखंड के खटीमा में मीट व्यापारियों द्वारा उपजिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों खुले में चल रही मीट की दुकानों को लेकर लोगों की शिकायत आ रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उपजिलाधिकारी खटीमा ने दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने पूर्णागिरी मेले का हवाला देते हुए टनकपुर रोड पर चल रही खुलेआम मीट की दुकानों की शिकायत की थी। उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। आज मीट व्यापारियों द्वारा अपने परिवार का दरगुजर व आर्थिक तंगी को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रामू जोशी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया कि हमारा परिवार वर्षों से इन्हीं दुकानों के व्यापार से चल रहा है। अगर 3 माह तक हमारे द्वारा दुकान बंद रखी गई तो हमारे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। और हमारे जो स्थानीय प्रशासन में आजकल हमारे जो प्रशासक महोदय हैं, SDM साहब, नगर पालिका, उनके कुछ शिकायतें आई थी कि खुलेआम जो मांस की दुकानें हैं वो खुले में बिक्री कर रहा है, जैसा कि ऐसा है नहीं, जो जबकि तो उनको माननीय SDM साहब को इस बारे में अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा है कि जो भी व्यवस्थाएँ हैं सुचारू रूप से अगर लोग काम करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, और जो पर्दे लगा करके शीशे के अंदर बेचेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। अगर कोई खुले में इसकी बिक्री करता है तो उसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम भी कोई किसी का समर्थन नहीं करेंगे। सही काम होगा तो हम उसके साथ हैं, गलत होगा तो हम उसका विरोध भी करते हैं। पूर्णागिरी मेला चल रहा है और जो पूर्णागिरी के जो श्रद्धालु है वो रोडों से जाते हैं, जिस क्षेत्र से टनकपुर चकरपुर आलम पीलीभीत से होते हुए, तो इन मार्गों में जो मीट की दुकानें हैं उनको हमने आदेशित किया था कि वो वहाँ पर जो अनधिकृत रूप से मीट की दुकानें लगी उनको हटा लें, क्योंकि इसमें कोई अव्यवस्था फैलने की भी संभावना बनी हुई थी। अब इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो रोड में कुछ मतलब मीट मांस के टुकड़े मिलें और जिससे कोई उपद्रव पैदा हो, तो इनकी इस बात को हमने सुन लिया और उचित कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।